Hey class 7, so we are on to the next part. We will read today about the detailed structure of the alimentary canal. Clear? The last topic we read about the steps of nutrition, means ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. You have got some idea about it. Now let's move to the parts, okay? First part, let me start. Mouth. Okay, what is the main function of mouth? Basically we ingest food through it. Okay, ingest andar lena. Okay, so what do we do here in mouth? Basically we do three things. We first make the food wet or mix the food with saliva. Then what we do, and this mixing is done with the help of tongue. Then after mixing it with saliva, it may get soft, so it is properly chewed by the teeth. So here we are going to read about three main topics. What is teeth, then tongue, then salivary glands. Okay, let's first go to teeth. Okay, I don't have a structure of teeth right now. You might, I will send you, so before, when you are going through the video, first watch out that picture of teeth, then you watch this video, okay, you will have a better knowledge about it. So basically we have four kinds of teeth: molar teeth, premolar teeth, canines and incisors. Okay, मोलर महसूस कर रहा है बस तुम्हारा दांत के जो तुम्हारे टीथ का जो जॉ सेट है पूरा लास्ट तरफ जो दांत है ना लास्ट तरफ वो है मोलर टीथ. क्लियर? इट इज कॉल्ड एज मोलर टीथ. ओके, बेसिकली पूरे दांत में हमारे पास ये सिक्स पैर्स होता है, यानी 12 पीसेस. छह पैर यानी 12 पीसेस. ओके, तो सोचो मैं यहां पे एक जॉ बनाता हूं. ओके, ये तुम्हारा अपर जॉ, ये तुम्हारा लोअर जॉ सपोज. तो दांत तो ऐसे अंदर से शुरू हो गया, ऐसे आके ऐसे जाएगा अंदर, तो मैं इसको बीच से भी डिवाइड कर सकता हूं. क्लियर? तो जो मोलर टीथ है वो दांत के इस तरफ यहां मौजूद है, यहां मौजूद है, यहां मौजूद है, यहां मौजूद है. क्लियर? 12 दांत कैसे हुए? अपर जॉ के राइट साइड में 3, अपर जॉ के लेफ्ट साइड में 3, लोअर जॉ के राइट साइड में 3, लेफ्ट साइड में 3, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12. क्लियर? इस तरह से 12 बनते हैं. क्लियर? ये बहुत ही वाइड होते हैं ये टीथ. ओके, और इसको हम बोलते हैं द लार्जेस्ट टीथ. इट इज कॉल्ड एज द लार्जेस्ट टीथ. एंड द मेन फंक्शन इज टू ग्राइंड एंड च्यू. तुम जो भी खाना चबाते हो पूरी तरह से अच्छे से, वो तुम मोलर टीथ के हेल्प से ही चबाते हो. क्लियर? सेकेंड, प्री मोलर टीथ. ओके, ये 4 पेयर है, यानी 8 पीसेस. जिस तरह 12 पीसेस के मैंने क्या किए थे, 3, 3, 3, 3, उस तरह 8 के 2, 2, 2, 2. मींस अपर जॉ में 4 होते हैं. अपर जॉ के राइट साइड तुम टच कर सकते हो, 2 मिलेंगे. मतलब लास्ट जिसके टोटली 32 टीथ हैं, उसके लिए हिसाब है सिंपली. तुम अपने अपर जॉ के राइट साइड में जाओ, लास्ट से 3 दांत छू लो, वो तुम्हारे लिए मोलर टीथ है. उसके आगे आओगे, 2 और दांत छोगे, वो तुम्हारे लिए प्री मोलर टीथ है. ऐसा ही सेट लेफ्ट साइड में होगा और सेम सेट लोअर जॉ में भी होगा. क्लियर? तुम टीथ देखोगे तो पता चल जाएगा तुमको बेटर. मैं स्ट्रक्चर भेज दूंगा तुमको डायग्राम. सो ये 8 पीसेस होते हैं. ये भी कुछ मोलर के तरह ही होते हैं, बट मोलर से थोड़े छोटे होते हैं. इनका काम भी वही सेम फंक्शन है, टू ग्राइंड एंड क्रश, चीजों को तोड़ना. क्लियर? नेक्स्ट आते हैं केनाइन, शेर के दांत. यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस. जो नुकीला सा दांत है तुम्हारे पास, ओके, तुम्हारे दो एज में, दे आर कॉल्ड एज केनाइन्स. ओके, दे आर ऑफ 2 पेयर्स, मींस सॉरी 2 पेयर, 4 पीसेस इन आवर होल सेट. यहां पे 3, 3, 3, 3, 3 था, फिर 2, 2, 2, 2 बना,
फिर एक 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 बनता है, क्लियर? तुम छू सकते हो, चार ही दांत तुम्हारे पास करना है इनके। लोअर जॉ में दो ठो, एक राइट एक लेफ्ट में है, ओके, नुकीले से, और अपर जॉ में दो, क्लियर? इनका काम क्या है बेसिकली, क्योंकि नुकीले हैं, देयर मेन फंक्शन इज टू पियर्स एंड टियर। पियर्स मतलब छेद कर देना, अंदर छेद कर देना और फिर खींच के फाड़ देना। जैसे शेर क्या करता है, किसी भी बॉडी के अंदर अपना दांत फंसाता है, मींस होल करता है, छेद करता है, देन टियर्स डाउन द बॉडी, फाड़ देता है उस तरह। उसी तरह हमारा क्लाइंट अभी वही मकसद है, पियर्स एंड टियर करने का, क्लियर? लास्ट क्वाथ है इंसिजर्स के पास, दे आर फोर पेयर्स मीन्स एट पीसेस, तीन 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 तीन, दो 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 दो, एक 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 हुआ। सामने के देखो तुम, इस पार्ट में चार दांत हैं, इस पार्ट में चार दांत, एकदम सपाट और फ्लैट, क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ये हमारे लिए इंसीजर से सामने वाले दांत हैं। इससे मेनली हम कट, हम जब एप्पल खाते हैं कैसे करते हैं, एप्पल जब खाते हैं तो सामने से कट करते हैं ना, सो इट इज ओनली टू कट एंड बाइट। ओके, समझ में आ रहा है फंक्शंस क्या क्या इनका मेन फंक्शन है? सो व्हेन आई विल सेंड यू इसको, अगर याद करना है तो सोचो मोलर टीथ है, उसके बाद प्री मोलर टीथ है, फिर केनाइन्स है, फिर इंसीजर्स है, सोचो। ओके, छह पैर है, चार पैर है, दो पैर है, चार पैर है, 64 24, याद कर लो, समझ में आया? 6 4 2 4। अगर कोई पूछेगा तो अपर जॉ में कितने मोलर टीथ हैं, तो अपर जॉ में तो दो जॉ में छह पैर, तो एक जॉ में कितना होगा, तीन पैर होगा, ये दो पैर होगा, ये एक पैर होगा, ये दो पैर होगा, खत्म, समझ में आया? और इसका क्या करना है कि अपर जॉ के राइट साइड में कितना टीथ बताओ बोलने से, ये तीन पैर था यानी छह पीस था, तो ये तीन पीस ऊपर, दो पैर था तो दो पीस ऊपर, ये एक पैर है तो एक पीस बस रहेगा, और ये दो पैर का दो पीस हो जाएगा, क्लियर? ये तुम टीथ देखोगे समझ जाओगे भैया, ठीक है? डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, बहुत आसान है, ठीक है? ओके, सो वी हैव डन विद द टीथ। बेसिकली मेन फंक्शन ऑफ द होल टीथ इज टू च्यू द फूड फॉर अस, टू कट द फूड फॉर अस। ओके, नेक्स्ट लेट्स गो टू टंग। ओके, सपोज आई एम मेकिंग स्ट्रक्चर ऑफ टंग। ओके, सो शॉर्ट्स में दे रहा हूं तुमको, आइडिया आ जाएगा। इस जगह में बेसिकली ज्यादा बिटर टेस्ट आता है, क्लियर? यहां सोर, यहां सोर, यहाँ स्वीट सेंट्रल पार्ट में, यहाँ स्वीट एंड सॉल्टी, क्लियर? बेसिकली टंग का स्ट्रक्चर में हमारे पास एक, मतलब टंग में हमारे टेस्ट बर्ड्स होता है, इट हैज ओके टेस्ट बर्ड्स, जिसके वजह से कि हम टेस्ट कर पाते हैं। मेनली कितना टेस्ट है, चार टेस्ट है। बिटर यहाँ फील होगा मेनली, ओके, और यहाँ यहाँ भी फील होता है बेटा, जरूरी नहीं है, बस एक छोटा सा डायग्राम दिया हूँ समझने के लिए, क्लियर? तुम्हें बुक्स में अलग डायग्राम मिल सकता है। ओके, यहाँ बिटर, इस तरफ सोर, यहाँ बीच में स्वीट, यहाँ पे स्वीट एंड सॉल्टी, क्लियर? ये टेस्ट बर्ड्स के वजह से हमें इतना सारा टेस्ट आता है। तो ये टंग जो है ये एक मस्कुलर पार्ट है, टोटली मस्कुलर इन नेचर, एंड ये एक एंड में हमारा माउथ के पीछे तरफ जॉइंट है। ओके, इट इज अटैच टू आवर माउथ, माउथ अदर नेम इज बकल कैविटी, सो इट इज अटैच टू आवर माउथ और बकल कैविटी एट वन एंड, एंड द अदर एंड इट इज फ्री। तुम बाहर की ओर देखोगे तुम्हारा टंग फ्री है, मूव करता है, लेकिन पीछे की तरफ वो जुड़ा हुआ है तुम्हारे माउथ से या बकल कैविटी से, क्लियर? इसका फंक्शन क्या है, कहानी से याद रखोगे फंक्शन को। सोचो तुम एक समोसे की दुकान में गए, तुमने बोला भैया समोसा दो, क्या मांगा तुमने, समोसा मांगा, मीन्स तुमने बात की, यू यू हैड अ टॉक। नेक्स्ट व्हेन द शॉपकीपर गेव यू समोसा, ही ऑल्सो गेव सम चटनी, खट्टा चटनी दे दिया, तो तुमने क्या किया, चटनी को टेस्ट कर दिया, अरे बड़ा स्वादिष्ट है, तो तुमने यहां पे क्या किया, टेस्ट किया। थर्डली पूरा समोसा तुम निकल गए, मतलब डाल दिया मुंह में और तुम उसको एकदम मिक्स कर रहे हो, ओके, सलाइवा के साथ, तो थर्ड फंक्शन है तुम्हारा मिक्सिंग विथ सलाइवा, और उसके बाद क्या करा, पूरा मिक्स करने के चबाने के बाद तुम उसे स्वालो करते हो, निगल जाते हो, ओके, स्वालो।
ये चार तुम्हारा फंक्शन है टंग का। यू कैन नॉट टॉक विदाउट योर टंग, यू कैन नॉट टेस्ट विदाउट योर टंग, यू कैन नॉट मिक्स द फूड विद सलाइवा विदाउट योर टंग, यू कैन नॉट स्वालो ऑल्सो। अगर टंग नहीं होगा बिल्कुल भी तो स्वालो नहीं कर सकते, टंग हेल्प करता है स्वालो करने के लिए। क्लियर? ओके देन, नाउ नाउ सेलिवरी ग्लैंड्स। व्हाट आर सेलिवरी ग्लैंड्स? दे प्रोवाइड यू विथ सलाइवा। ओके, दे प्रोड्यूस व्हाट? सलाइवा। क्लियर? सो मैंने कहा था एक चीज कि सलाइवा जो है, सॉरी, माउथ में डाइजेशन होता है। कैसे होता है बता रहा हूं मैं तुमको। सलाइवा के अंदर एक खास तरह का एक एंजाइम है। एंजाइम मींस तुम्हारे लिए सोच लो एक डाइजेस्ट करने वाला चीज। ओके, क्या है उसका नाम? सेलिवरी एमाइलेज। ओके, सेलिवरी एमाइलेज। तुम जो खाना खाते हो वहां पे स्टार्च है। आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज स्टार्च, इट्स अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो ये जो फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, थोड़ा सा जो स्टार्च है वो तुम्हारे मुंह में ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। सेलिवरी एमाइलेज पार्शियली डाइजेस्ट द स्टार्च। जो खाना हम खाते हैं अगर उसमें स्टार्च है तो पार्शियली मुंह में ही शुरू होता है डाइजेस्ट होना। तो डाइजेशन शुरू कहाँ होता है? एक्चुअली मुंह के अंदर। क्लियर? सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, सलाइवा के अंदर सलाइवरी एमाइलेज होता है, और ये एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को आधा अधूरा डाइजेस्ट कर देता है। समझ में आया? दैट्स व्हाई मैं लिखा था वहां पे कि डाइजेशन माउथ में भी होता है बोल के। क्लियर? ओके, सो यहाँ पे तुम्हें एक प्रॉपर आइडिया आ गया होगा माउथ के बारे में। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू फूड पाइप। आई हैव टोल्ड यू पहला पार्ट तुम्हारे एलिमेंट्री कैनाल का क्या है। फर्स्ट पार्ट इज माउथ एंड द सेकेंड पार्ट इज फूड पाइप और ओएसोफेगस। सो माउथ है ये सोचो, तो यहां से पाइप निकल के नीचे आता है। ओके, और यहां पे स्टोमक है। क्लियर? सो ये यहां से यहां जो है, दिस इज कॉल्ड एज फूड पाइप और ऑल्सो फैगस। क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज फूड पाइप और ऑल्सो फैगस। ओके, सो ऑल्सो फैगस इन द अपर एंड इट इज जॉइंट टू बुकल कैविटी एंड टू द अदर पार्ट इट इज जॉइंट टू स्टोमक। बेसिकली इट कनेक्ट्स बुकल कैविटी विथ स्टोमक। क्लियर? इट टेक्स फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक। ओके, और बीच रास्ते किससे गुजरता है? ये नेक पार्ट रहेगा, ये चेस्ट पार्ट रहेगा। क्लियर? ये माउथ है। बेसिकली फूड पाइप माउथ और फूड स्टोमक को ज्वाइन करता है और फूड कैरी करता है, और ये नेक से माउथ से निकलता है, नेक से होते हुए चेस्ट से होते हुए स्टोमक तक पहुंचता है। क्लियर? सो फूड पाइप में ऐसा क्या है कि खाना नीचे उतरता है? एक्चुअली एक खास तरह का प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टलसिस, पेरिस्टल्सिस और पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, व्हाट इज दिस पेरिस्टल्सिस और पेरिस्टल्टिक मूवमेंट? तुम्हारा फूड पाइप मसल से बना हुआ है, तो ये मसल क्या होता है? जिगजैग मूव करता है, जिगजैग। ओके, लाइक सपोज एक एग्जांपल देता हूं। व्हेन एवर यू आर सपोज यू आर पुटिंग सम थिंग्स इन योर बॉक्स, सपोज तुम मिक्सचर डाल रहे हो अपने कंटेनर में, बॉक्स में, तुम देखो कि मिक्सचर डाल दो फुल हो जाता है, फिर थोड़ा तुम उसको हिला दोगे ना तो क्या होगा? वो मिक्सचर जो है वो सेट होके थोड़ा नीचे चले आएगा, थोड़ा स्पेस बन जाएगा। उसी तरह सपोज ये जो मसल्स है तुम्हारा, ये दो लाइन मसल्स है, ये ऐसे मूव करेगा। ओके, जब ये ऐसे मूव करेगा इसके वजह से क्या होगा? जो फूड यहां पे है वो धीरे धीरे खिसक के नीचे आएगा बार बार। तो चाहे तुम्हारा सिर नीचे और पैर ऊपर क्यों ना हो, खाना हर वक्त इसी डायरेक्शन में जाएगा। समझ में आया? सो दिस जिगजैग मूवमेंट, ओके, दिस जिगजैग मूवमेंट, ओके, ऑफ द वॉल ऑफ फूड पाइप, ओके, इज कॉल्ड एज
पेरिस टालसिस, क्लियर, पेरिस टालसिस। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट योर फूड पाइप। सो दो पार्ट्स हमने पढ़ लिए, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो विल गो थ्रू अदर पार्ट्स। सो हैव अ लुक अपॉन दिस वीडियो प्रॉपरली एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम टेल मी। हैव अ गुड डे।